नमस्कार, मैं सुचिता मिश्रा। आइए जानते हैं देश दुनिया की 25 बड़ी खबरें। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी MSA कांड, आरोपी लड़की को वीडियो बनाने के लिए किया जा रहा है ब्लैकमेल। महापौर सम्मेलन में बोले पीएम मोदी, नगर पंचायत से आती है सरकार की व्यवस्था। गांधीनगर में विपक्ष पर बरसे जेपी नड्डा, कहा बीजेपी ने किसानों के दर्द को कम किया। सीएम केजरीवाल आज गुजरात के दौरे पर, वडोदरा के टाउन हॉल में करेंगे मीटिंग। सीएम शिवराज सिंह का भारत जोड़ो यात्रा पर बयान, कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा को कहा भारत छोड़ो यात्रा। दिल्ली में प्रदूषण की दस्तक, आनंद विहार में 405 पहुंचा AQI। अमेरिकी स्थित भारतीय दूतावास पहुंचे गूगल के CEO राजदूत रणजीत सिंह सिंधु से की बात। MP में SP BSP से विधायक रहे किशोर समरीते ने दी संसद भवन उड़ाने की धमकी, दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार। महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं ने दिल खोलकर किया दान, एक साल में 81 करोड़ से ज्यादा का चढ़ावा। आगरा और मुजफ्फरपुर में अग्निवीर बनने के लिए युवा आज से दिखाएंगे दमखम, जनपदवार अभ्यर्थी लड़ाएंगे दौड़। कुत्ते के भौंकने से नाराज हुआ आदमी, ताबड़तोड़ फायरिंग कर कुत्ते को मार डाला। म्यांमार में स्कूल पर हुआ हवाई हमला, 7 बच्चे समेत 13 लोगों की मौत। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को दी गई अंतिम विदाई, दुनिया भर के 2000 मेहमान जुड़े। जापान में सुपर टाइफून नान मॉडल ने मचाई तबाही, 90 लाख से ज्यादा लोग हुए बेघर। जापान में आए तूफान ने तोड़ी अंतरिक्ष केंद्र की दीवार, रोकी गई दर्जनों उड़ाने। सचिन ने दिलाई 90 की याद, 49 साल की उम्र में लगाई एक से बढ़कर एक शॉट। एक बार फिर एंटरटेनमेंट जगत में दुखद खबर, दिल्ली क्राइम 2 में नजर आए एक्टर दुर्गेश कुमार का हार्ट अटैक से निधन। INS विजय हुआ रिटायर, 32 साल पहले हुआ था सेना में शामिल। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में सरकारी स्कूल में गाया गया रघुपति राघव राजा राम, वीडियो हुआ वायरल। वीडियो देखकर भड़की महबूबा मुफ्ती, कहा वीडियो केंद्र के हिंदुत्व को उजागर करता है। कश्मीर घाटी में 32 साल बाद आया सिनेमा, श्रीनगर में आज से INX मल्टीप्लेक्स हुआ चालू। पलगांवबाद में चल रही इमरान हाशमी के फिल्म की शूटिंग में हुआ पथराव, आरोपी गिरफ्तार। यूपी विधानसभा में हंगामा, सपा विधायकों ने किया हंगामा। नोएडा के सेक्टर 21 में निर्माणाधीन दीवार गिरी, हादसे में 4 मजदूरों की मौत हुई। मानसून की विदाई से पहले यहां झमाझम के आसार, हवा की दिशा बदलते ही शुरू होगी ठंड। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत TV को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।